हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो देखिए, नगोर्नो कारबाख कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया, तो मतलब इसमें ये चीज़ बताया जा रहा है इंडिया का क्या उसमें स्टैंड है। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को लोकेशन बताया था अलग से निकाल के, तो आज देखिए यहाँ पे लोकेशन हमारे सामने ही है। ये एरिया अपना नगोर्नो कारबाख का हो जाता है। यहाँ पे अजरबैजान है ये वाला, ये भी अजरबैजान का एरिया है। आप देखिए, ये भी अजरबैजान का एरिया है। नीचे में ईरान है, इधर में टर्की है, इधर में जॉर्जिया है, ऊपर में रशिया। ये आपका कैस्पियन सी रहा। टर्की सपोर्ट किसको करता है? टर्की सपोर्ट करता है अजरबैजान को, इसको, ठीक है, इसको कर रहा है एंड यहाँ से इसको कर रहा है। टर्की अर्मेनिया को सपोर्ट नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। अर्मेनिया का अलाय कौन था पहले? रशिया था। पर अर्मेनिया जब से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में अपने आप को इनरोल किया है, हो सकता है रशिया भी अब उससे थोड़ा सा अलायंस रशिया से उसका कम हो जाए। तो चलिए देखते हैं क्या है। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अर्मेनिया एंड अजरबैजान ओवर नगोमो कारबाख इज कॉल्ड वन ऑफ द फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट्स। अब देखिए, वन ऑफ द फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बोला जा रहा है इसको। दिस कॉन्फ्लिक्ट इरप्टेड ऑन सेप्टेम्बर 19 व्हेन अजरबैजान लॉन्च्ड एन ऑफेंसिव एंड विद इन 24 आवर डिक्लेयर्ड विक्ट्री ओवर द सेपरेटिस्ट प्रोविंस ऑफ नगोरो कारबाख। अथॉरिटी ऑफ द प्रोविंस हैव नाउ सेड द एथनिक अर्मेनियंस इंक्लेव वुड डिजोल्व ऑन जनवरी 1, 2024। तो यहाँ पे जो अर्मेनियन रह रहे थे, बोला जा रहा है कि उनका इंक्लेव जो है उसको वो लोग हटा देंगे। कब? 2024 के 1 जनवरी को। दो फार अवे द रिसेंट डेवलपमेंट इन द साउथ कैकेकस रीजन हैव इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया। अब ये यहाँ पे माउंटेन से ऊपर में कोकोकस माउंटेन, तो ये उसके साउथ रीजन है, तो इसीलिए इसको साउथ कोकोकस रीजन बताया जा रहा है। अब इसका इम्प्लीकेशन ऑन इंडिया देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड। द कॉन्फ्लिक्ट ओवर द डेकेड्स। नगोर्नो कारबाख इज अ माउंटेनियस रीजन ऑफिशियली रिकग्नाइज एज पार्ट ऑफ अजरबैजान। तो ये ऑफिशियली अजरबैजान का इसको पार्ट बताया गया है। बट इट्स 1.12 लाख पॉपुलेशन इज प्रीडोमिनेंटली एथनिक अर्मेनियंस। पर इसके जो पॉपुलेशन है वो अर्मेनियंस हैव क्लोज कल्चर सोशल एंड हिस्टोरिकल टाइज विथ अर्मेनिया। बेसिकली नगोरो कारबाख इज एन एथनिक अर्मेनियन इनक्लेव इन अजरबैजान। तो ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए, नगोरो कारबाख इज एन एथनिक अर्मेनियन इनक्लेव इन अजरबैजान। द अर्मेनियंस आर क्रिश्चियंस वाइल एजरीज आर मुस्लिम्स। तो यहाँ पे देखिए, क्रिश्चियंस क्रिश्चियंस वर्सेस मुस्लिम वाला हिसाब हो रहा है, ठीक है। द अर्मेनियंस आर क्रिश्चियंस वाइल अजरीज आर मुस्लिम्स। द कॉन्क्लेव इज कनेक्टेड टू अर्मेनिया थ्रू अ 5 किलोमीटर लाचिन कॉरिडोर। तो अर्मेनिया में ये 5 किलोमीटर लाचिन कॉरिडोर से कनेक्टेड है। द रीजन हैज सीन कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इन्फ्लुएंस बिटवीन रीजनल पावर सिंस द मिडीवियल पीरियड। तो ये मिडीवियल पीरियड से यहाँ पे लड़ाई चल रही है। इम्पीरियल रशिया, ओटोमन एम्पायर, मॉडर्न डे टर्की एंड द पर्शियन एम्पायर ईरान। व्हेन कजाइस्ट रशिया गेव वे टू सोवियत यूनियन इन 1921, नगोरो कारबाख वॉज अ पार्ट ऑफ अजरबैजान SSR, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इन 1923 USSR स्टेब्लिश द नगोरो कारबाख ऑटोनोमस ओब्लास्ट। तो देखिए, यहाँ पे पहले ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट था। होम टू 95% ऑफ एथनिकली अर्मेनियन पॉपुलेशन विद इन द अजरबैजान सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो ये अजरबैजान के जगह पर 95% अर्मेनियन रह रहे थे, उनका ये विद इन अजरबैजान सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। तो ये उस मतलब अजरबैजान के कंट्री में रह रहे थे ये, उसको क्योंकि इंटरनेशनली इसको अजरबैजान का एरिया बोला जाता है। एज द सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड। तो जैसे ही मतलब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, कब? 1991 में। द फर्स्ट राउंड ऑफ टेंशन ओवर नगोरो कारबाख बिगेन इन 1988 विद इट्स रीजनल लेजिस्लेचर पासिंग अ रेजोल्यूशन डिक्लेयरिंग इट्स इंटेंशन टू ज्वाइन अर्मेनिया। तो क्योंकि यहाँ पे 95% अर्मेनियन थे, तो इन्होंने ये डिसीजन ले लिया। डिस्पाइट बिंग जियोग्राफिकली लोकेटेड विद इन अजरबैजान व्हेन द सोवियत यूनियन वॉज डिजॉल्व इन 1991, द अर्मेनिया एंड अजरबैजान अचीव्ड स्टेटहुड। नगोरो कारबाख ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। व्हेन वी ब्रोक आउट बिटवीन नहीं सॉरी व्हेन वी कह रहा हूँ वॉर देन ब्रोक आउट बिटवीन अर्मेनिया एंड अजरबैजान, ठीक है। यहाँ पे फिर जब इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट बोल दिया, तो यहाँ पे लड़ाई होगी। किलिंग अबाउट 30,000 पीपल। तो वो समय यहाँ पे इतने लोग मारे गए। बाई 1993 अर्मेनिया हैज़ कैप्चर्ड नगोरो कारबाख, ठीक है, अर्मेनिया ने कैप्चर कर लिया। एडिशनली ऑक्यूपाइड
20% ऑफ अजरबैजान ज्योग्राफिकल एरियाज, तो 20% एरिया भी कैप्चर कर लिया। इन 1994 रशिया ब्रोकर्ड अ सीज फायर नोन एज बिश्केक प्रोटोकॉल, तो ये प्रोटोकॉल ध्यान रखना है हमें। दिस मेड नगरो कारबाख डी फैक्टो इंडिपेंडेंट विद अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड गवर्नमेंट इन स्टेपनाकर्ट, बट स्टिल हेविली रिलायंट ऑन क्लोज इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड मिलिट्री टाइज विद अर्मेनिया। तो अभी इसका रिलायंस अर्मेनिया के ऊपर था, पर उसको सेल्फ प्रोक्लेम्ड गवर्नमेंट वहाँ पे बोला जा रहा था। अ बैकग्राउंड नोट ऑन द कॉन्फ्लिक्ट बाय काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन सेड 16 ईयर लेटर इन सेप्टेम्बर 2020 अजरबैजान एंड अर्मेनिया वेंट टू वॉर अगेन, तो फिर से वॉर हो गया। दिस टाइम अजरबैजान मैनेज टू वेस्ट कंट्रोल ऑफ द टेरिटरी अराउंड नगोरो कारबाख। रशिया अगेन ब्रोकर्ड अ डील एंड प्रोवाइड पीस कीपिंग फोर्स अलोंग द लाचिन कॉरिडोर, बट हैविंग टेस्टेड विक्ट्री अजरबैजान वॉन्टेड मोर कंसेशन एंड नो पीस डील वॉज इंक्ड। तो मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब अजरबैजान एक बार जीता तो वो पीस मतलब किसी डील में इंटरेस्टेड नहीं था, वो कह रहा था हमें अब और चाहिए, क्योंकि इस बार अजरबैजान जीता। जैसा हमने देखा था 1993 में अर्मेनिया यहाँ पे जीत रहा था, यहाँ पे आप देखिए अजरबैजान जीत रहा था। अजरबैजान इज सेड टू हैव गॉट सपोर्ट फ्रॉम टर्की, देखिए, एंड पाकिस्तान इन फॉर्म ऑफ वेपन्स एंड पर्सनल्स, क्योंकि यहाँ पे फिर इस्लाम ये लोग अपना यूज़ करते हैं, इस्लामिक ब्रदरहुड यूज़ करता है, ये नहीं देखते कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है। पाकिस्तान मिलिट्री पर्सनल आर बिलीव टू हैव हेल्प द अजरबैजान फोर्सेस एंड ऑन ग्राउंड देर वर रिपोर्ट ऑफ सीरियन लीबियन एंड अफगान फाइटर्स एज वेल। तो आप देखिए अजरबैजान को कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और ये सारे इस्लामिक स्टेट्स हैं, ठीक है, ये सारे इस्लामिक स्टेट्स हैं। इन दिसंबर 2022 द लाचिन कॉरिडोर वॉज ब्लॉकेड ब्लॉकेड बाय अजरबैजान, कॉजिंग सीवियर शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल गुड्स इंक्लूडिंग फूड्स फ्यूल एंड वाटर इन नगरो कारबाग, क्योंकि ये अर्मेनिया के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट थे। लाचिन कॉरिडोर वही जब ये अर्मेनिया से कनेक्ट करता था, 5 किलोमीटर लॉन्ग जो हमने पढ़ा। फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC चीफ प्रोसिक्यूटर ल्यूइस मोरिनो ओकाम्पो वॉन्ट दिस वर द रीजनेबल बेसिस टू बी लीव अजरबैजान वॉज कमिटिंग अ जीनोसाइड इन नगरो कारबाग। तो उसमें उन्होंने तो साफ बोल दिया कि ये जीनोसाइड कर रहे हैं नगरो कारबाग में, टर्मिंग स्टारवेशन एंड इनविजिबल जीनोसाइड वेपन। खाना नहीं दोगे वो उससे स्टारवेशन होता है, तो स्टारवेशन एक इनविजिबल जीनोसाइड वेपन है। आप गोली नहीं मार रहे हो पर उन लोग को भूखे मार रहे हो, तो मार तो रहे हो, इसीलिए इनविजिबल जीनोसाइड वेपन बोला गया इस चीज को। ऑन सेप्टेम्बर 19 डेज आफ्टर द एग्रीमेंट टू रीओपन द लाचिन कॉरिडोर फॉर एड डिलीवरीज पार्क्ड होप्स ऑफ ईजिंग द क्राइसिस, अजरबैजान लॉन्च एन एंटी टेररिस्ट ऑफेंसिव इन नगरो कारबाक एंड क्लेम टू हैव रिगेन्ड फुल कंट्रोल ओवर द रीजन। एंटी टेररिस्ट मूव यहाँ पे कर रहा है, पता नहीं खुद ही टेररिस्ट है क्या है। अभी इंडिया का मूव देखेंगे हम लोग भी उसी के साथ अलाइन करेंगे, यहाँ पे मैं अपनी बातें बोल रहा था। वाइल अजरबैजान प्रेसिडेंट इलाम अलीव इज बीइंग हेल्ड एज अ हीरो इन हिज कंट्री, अर्मेनियन प्रेसिडेंट निकोल पाशियान इज फेसिंग प्रोटेस्ट एट होम। द फ्यूचर इज अबाउट 1.2 लाख अर्मेनियन लिविंग इन नगरो कारबाग इज एट स्टेक, विथ रिपोर्ट्स ऑफ मेनी लिविंग एंड फ्लीइंग टू अर्मेनिया फियरिंग परसिक्यूशन। तो लोग वहाँ से भाग रहे, कहाँ जा रहे, अर्मेनिया में जा रहे, क्योंकि ऑब्वियसली ये कल्चरली एथनिक अर्मेनियंस पीपल है। अब देखिए इंडिया का पोजीशन क्या है। ऑन द कॉन्फ्लिक्ट इंडिया इज ऑलवेज स्टीयर्ड क्लियर ऑन टेकिंग साइड्स। इन 2020 आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट ब्रोक आउट इट हैड सेड इंडिया बिलीव दैट एनी लास्टिंग रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट कैन ओनली बी अचीव्ड पीसफुली थ्रू डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन। दिस टाइम आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट दिल्ली हैज मेड इट क्लियर ऑन थर्सडे दैट इट इंकरेजेस द पार्टीज टू मूव फॉरवर्ड टू इंश्योर लॉन्ग टर्म पीस एंड सिक्योरिटी इन रीजन थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी विच इंक्लूड्स द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ द सिविलियन। तो इंडिया देखिए पहले बोल रहा है यहाँ पे आप बात करिए, उसके बाद कुछ देखते हैं। इंडिया हैज टाइज विद बोथ अर्मेनिया एंड अजरबैजान, इंपॉर्टेंटली द रीजन इज सेंट्रल टू इट्स प्लान ऑफ कनेक्टिविटी थ्रू द साउथ कोकोकस रीजन। इंडिया टाइज विद अर्मेनिया डेट बैक मिलीनिया, हिस्टोरियंस हैव सजेस्टेड दैट व्हेन एजेरियन वॉरियर क्वीन सेमिरिमिस इन्वेडेड इंडिया इन 2000 BC सम अर्मेनियंस अकम्पेन्ड हर। अकॉर्डिंग टू लिटरेरी एविडेंस इंडियन सेटलमेंट्स इन अर्मेनिया वर स्टैब्लिश्ड बाय टू प्रिंस कृष्ण एंड गणेश एस्केपिंग फ्रॉम कन्नौज इन
149 BC. The first guidebook in Indian cities is Armenia was written in 12th century. Armenian traders came to Agra during the Mughal Empire. Akbar, who believed to have an Armenian wife, Maryam Zamini Begum, granted them privileges and considerable religious freedom. In the 16th century, Armenian communities emerged in Kolkata, Chennai, Mumbai, and Agra. Today, the Vestigial community is mainly settled in Kolkata. In contrast, historian ties between India and Azerbaijan have seen more recent. The Astega fire temple in the Vinset of Baku in 18th century monument with a much older history and has wall inscription in Devanagari and Gurmukhi. It is a surviving proof of the hospitality and Indian merchants on Silk Route to Europe enjoyed in Azerbaijan cities such as Baku and Ganja. In modern times, after the collapse of the Soviet Union, India recognizes the independence of Armenia and Azerbaijan and established diplomatic relations. With Armenia, India opened its embassy in 1999 and has treated treaty relationship and has received as many as head of states. There have been two visits from India at the level of vice president. Prime Minister Narendra Modi met his Armenian counterpart in New York in September 2019, which was followed by external affairs minister visit to Yerevan in 2022. Yerevan capital hai aapka Armenia ka. Armenia publicly endorses India position on resolution of Kashmir issue on a bilateral basis and supports India's aspiration for a permanent seat in expanded यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. तो आर्मेनिया यहाँ पे इंडिया को सपोर्ट करता है कश्मीर के इशू पे एंड यूएनएससी में परमानेंट सीट मिलने के लिए. इनफैक्ट इन 2022 द इंडिया आर्मेनिया डील टू सप्लाई आर्मेनियन आर्म फोर्सेस विद पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स MBRL एंटी टैंक म्यूनिटियन एंड अम्यूनेशंस एंड वॉरलाइक स्टोर वर्थ US $250 million was received as Delhi siding with Yerevan. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन लोगों का इंडिया और आर्मेनिया का आप देखिए, यहाँ पे डिफेंस डील भी हो रहा है. यहाँ से उधर आप देख रहे हैं इंडिया से क्या जा रहा है, वहाँ पर रॉकेट लॉन्चर्स जा रहे हैं, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स. तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आप देखिए अजरबैजान को अच्छी नहीं लगेगी. इन कॉन्ट्रास्ट, अजरबैजान्स प्रॉक्सिमिटी टू पाकिस्तान हैज़ बीन परसीव्ड एज एन इरिटेंट इन द टाइज. There has not been a single visit in the level of head of state government between India and Azerbaijan. तो देखिए यहाँ पर रिलेशन खराब दिख रहे हैं. Former President Dr. S. Radhakrishnan as Vice President in 1956 and former PM Jawaharlal Nehru in 1961 has visited the Azerbaijan Soviet Socialist Republic. In recent year, Vice President M. Venkaiya Naidu visited Baku for NAM summit in 2019. Accompanied by External Affairs Minister S. Jaishankar, former External Affairs Minister Sushma Swaraj had also visited Azerbaijan for the NAM ministerial meeting in 2018. Because of the geographical location of Armenia and Azerbaijan in the region, importance as a viable corridor for India's connectivity with Russia and Europe through Central Asia and Iran, Armenia and Azerbaijan are member of international north-south transport corridor which India is keen to develop. India supports Armenia's proposal to include Iran Chabahar port in INSTC. Tensions in the region directly impact India's plan to bypass Pakistan as the gateway to Europe and Russia. New Delhi has to figure out way around it. तो बहुत लंबा आर्टिकल था, अब चलिए देखते हैं हमारे लिए इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट होता है. सबसे पहले इंडिया पोजीशन देखिए, हमारे लिए इंडिया के पोजीशन के हिसाब से हमारे लिए दोनों कंट्री बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, अजरबैजान और आर्मेनिया. आप देखिए अजरबैजान के साथ, आर्मेनिया के साथ हमारे टाइज थोड़े से अच्छे दिख रहे हैं. अजरबैजान जैसे अपनी प्रॉक्सिमिटी बढ़ा रहा है किसके साथ, अपनी प्रॉक्सिमिटी ये बढ़ा रहा है पाकिस्तान के साथ, तो कहीं ना कहीं इसके साथ हमारे टाइज थोड़े वीक दिख रहे हैं, पर इसके साथ हमारे टाइज बहुत अच्छे हैं. और हम देखिए यहाँ पे उसको सपोर्ट कर रहे हैं
अर्मेनिया को, वहाँ पे हम लोग रॉकेट लॉन्चर्स भी भेज रहे हैं अर्मेनिया को, अर्मेनिया हमें सपोर्ट कर रहा है ऑन मैटर ऑफ, अब देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार ताकि, अर्मेनिया कहाँ कहाँ सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, जम्मू एंड कश्मीर के उस पर सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, आप देखिए यूएनएससी में परमानेंट सीट के लिए सपोर्ट कर रहा है, इंडिया उसको डिफेंस मतलब एक तरीके से बोल रहे हैं डिफेंस टाई हो जा रहा है दोनों में, ठीक है, आप देखिए एक डिफेंस टाई हो जा रहा है अर्मेनिया में, और आप देखिए कल्चरल टाइज भी है अर्मेनिया के साथ, ठीक है, ये सारी चीज़ें अर्मेनिया के साथ चल रही है। अब देखिए अजरबैजान के साथ क्या चल रहा है, अजरबैजान के साथ यहाँ पे बस कल्चरल टाइज है हमारे, ठीक है, आप देखिए बस एक कल्चरल टाइज है, बाकी ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें चल रही है वो हमारी बस अर्मेनिया के साथ चल रही है, क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि अजरबैजान कहीं ना कहीं पाकिस्तान को फेवर कर रहा है। अब आप देखिए टर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान, अरे ईरान, नीचे में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये कहीं ना कहीं ये सारे इस्लामिक स्टेट्स हैं, और ये आपका क्रिश्चियन है, इसीलिए ये लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस बार अजरबैजान कहीं ना कहीं, अजरबैजान हैड एज इन द वॉर, क्योंकि उसके पास ज़्यादा फोर्सेस हैं और ज़्यादा सपोर्ट्स है, और बीइंग क्रिश्चियन द अर्मेनियन फोर्सेस आर लेफ्ट अलोन एंड देयर फोर दे वर फोर्स्ड टू गेट आउट फ्रॉम द नगरो कारबाक रीजन, और यहाँ पे जो 1.2 लाख एथनिक पीपल है वो वापस यहाँ से वापस जा रहे हैं, ठीक है, एक ये चीज़ हो गया, हमारे ये प्रेसिडेंट्स यहाँ पे गए पर ऐसा कोई बाकू में हुआ नहीं है, ये तो हमारा ये चीज़ हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमारे लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्मेनिया हो गया, अजरबैजान हो गया, हमारे लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हम दोनों में से किसी एक को छोड़ नहीं सकते, पहले बाकू में कुछ लोग गए हैं पर एक जो होता है ना हेड पोजिशन पे मीटिंग नहीं हुई है बाकू में, ये चीज़ बता, बाकू यानी अजरबैजान की बात कर रहे हैं हम लोग, पर आप देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी येरेवन में कहाँ, येरेवन के प्राइम मिनिस्टर से मिल चुके हैं, तो यहाँ पे हेड लेवल पे मीटिंग हो चुकी है, ठीक है, अब देखिए मॉडर्न टाइज तो ये हमने डिस्कस कर लिया, अब देखिए सीज फायर, अब यहाँ पे एक फायर टेम्पल है, विन सिटी ऑफ बाकू इन 18th सेंचुरी मॉन्यूमेंट लॉन्च ओल्डर हिस्ट्री, तो यहाँ पे हमें देखिए अस्तेगा, ये कहाँ पर है, अजरबैजान में, यहाँ पे देवनागरी स्क्रिप्ट में मिली है और गुरमुखी, ठीक है, यहाँ पे हमें ये दो स्क्रिप्ट मिले हैं, ठीक है, ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए ये तो अभी इंडिया में इन लोगों का कहाँ कहाँ मिल रहा है, क्या क्या है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, अब देखिए और ये बात रही अर्मेनिया की, अर्मेनिया में देखिए हिस्ट्री यहाँ पे जब वॉरियर क्वीन सिमेरियन इन्वेड की थी इंडिया में, सम अर्मेनियन अकम्पेड हर अकॉर्डिंग टू लिटरेरी एविडेंस सेटलमेंट, इतना यहाँ पे कृष्ण और गणेश करके कन्नौज से दो प्रिंस गए थे वहाँ पे, अर्मेनिया में स्टेब्लिश हुए थे 149 BC में, तो एक ये हमारे लिए हो सकता है कृष्ण गणेश पूछे, ठीक है, और ये हम ये जो हिस्ट्री था कल मैंने आप लोगों को बता दिया था, पहले येरेवन जीतता है, अरे येरेवन, हाँ और सही कह रहा हूँ मैं, येरेवन यानी अर्मेनिया पहले जीत जाता है, अजरबैजान आपका बाकू पहले हार जाता है, कब, ये 1993 की बात है, अभी जब रिसेंट यहाँ पे 1994 में फिर ये बिश्केक प्रोटोकॉल हुआ जिससे यहाँ पे इसको सिर्फ सेल्फ प्रोक्लेम्ड गवर्नमेंट दे दिया गया, किसको, नगरो कारबाक रीजन को, अब उसके बाद देखिए 16 साल बाद 2020 में बदला लेगा, सबका बदला लेगा, बाप का भाई का, अजरबैजान वापस आता है फोर्सेस के साथ आता है अलग अलग, ठीक है, और इसलिए अजरबैजान यहाँ पे लीड कर रहा है अभी, तो बस इस आर्टिकल में हमारे लिए इतना ही जानना जरूरी था, सो थैंक यू गाइज एंड प्लीज वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।